अल्लाह जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है जो लोग मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आई तो मैं कुछ बिजी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी तो ये आपके लिए वीडियो जनाब लेकर आई हूँ कैरटीन हेयर मास्क की जो कि हम लोग करवाते हैं अपने सैलून से बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कैरटीन ये चंद बेसिक चीज़ों के साथ आपका यह ट्रीटमेंट रेडी हो जाएगा जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है वन टेबल स्पून बटर जिसको मैंने दस सेकेंड माइक्रो में, में मेल्ट कर लिया गर्म करके ठीक है इसी तरह आपने इसको पिघला लेना है उसके बाद इसमें वन टेबल स्पून भर के जाएगा म्यूनिस का ठीक है म्यूनिस के बाद इसमें जाएगी वन एंड अ हाफ टेबल स्पून योगट ठीक है आपने ये सारी चीज़ें अपने बालों की लेंथ और टेक्सचर के हिसाब से जो है वो शामिल करनी है और आपने मास्क को रेडी कर लेना है ठीक है अब इसके बाद जो मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है जी बादाम का तेल आमंड ऑयल ये मैं वन टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ ठीक है ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी और आप इसको इजीली बना सकेंगी ठीक है तो उसके बाद ये आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकती हैं एलोवेरा जल इसमें शामिल करी ये आप की सहूलत है आपको घर का अवेलेबल है घर वाला यूज़ कर लें बाहर का है तो मार्केट का यूज़ कर लें वन टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी एलोवेरा uh, जेल जो कि uh, मेरा बाजार वाला है और इसके बाद इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट uh, जाएगा वो है जी ऑलिव ऑयल ठीक है ऑलिव ऑयल इसमें वन टेबल स्पून शामिल करूँगी और uh, जैसा कि अब ये uh, मैं ऑलिव ऑयल इसमें डाल रही हूँ उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इतना इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी रनी से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी जब आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे फाइव टू सिक्स मिनट करेंगे तो ये मास्क आपका रेडी हो जाएगा ठीक है तो आप इसके जो बहुत ज़्यादा जिनके बाल फ्रिज़ी हैं ड्राई हैं वीक में दो बार ज़रूर करें कोई भी चीज़ मैजिक uh, नहीं होती कि एक ही बार यूज़ करें तो आप जो है उसको आपको रिजल्ट्स उसके मिल जाए ठीक है रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे बट आपने इसको रेगुलर करना है तब ही कोई चीज़ जाके आपको लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट देती है ठीक है ये रेमिडीज़ होती हैं और जैसा कि आप आप देख लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट हो गई है और सैलून वाले जब आपसे एक ही बार इतने सारे पैसे लेते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं और थ्री मंथ्स के लिए लास्ट करते हैं फिर दोबारा से आपके बाल उसी कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप घर में करें और बजट भी आपका कम रहेगा और बहुत कम रहेगा तो आपका ये ट्रीटमेंट आपको वही रिजल्ट देगा ठीक है तो यहाँ पे बाल जो है मैंने जो चूज़ किए वो आपको दिखाने के लिए कि ऐसी मॉडल हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और कलर ट्रीटेड है और बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है एक्स्ट्रा ड्राई ठीक है यहाँ पे अब ये ट्रीटमेंट मैं इनके बालों में सेक्शन करूँगी निकालूँगी टेलकॉम से और इसको अच्छे से जो है वो अप्लाई करना शुरू हो जाऊँगी उसके बाद इसको इस तरह से आपने अप्लाई करना है इसकी मिक्सिंग ब्लेंडिंग ऐसी हो कि ये बालों एक भी बाल जो है वो आपका आ, बाकी ना रेस सब बालों पर ये लग जाए अच्छी तरह अच्छा एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगी वो ये कि अगर आपके स्कैल्प ड्राई हैं तो आप अपने स्कैल्प पे भी इसको लगा सकते हैं ठीक है यहाँ पे बाल देखें इतने ड्राई थे कि ये आपको ट्रीटमेंट नज़र ही नहीं आ रहा वो बालों के अंदर जज़ब हो गया अच्छे से ठीक है अब ये देखें आफ्टर वॉश भी थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ कि आफ़्टर वॉश बाल जो हैं वो कितने सॉफ़्ट हो गए हैं ठीक है थीके? अभी एक ही बार किया है बट आपने इसको रूटीन में लग के करना है तो इन शाला आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे ठीक है तो आपने ट्राई करना है मुझे इसका फ़ीडबैक देना है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना है और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है तो इन श्ला मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा टिल देन अल्लाह हाफिज़